संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 चर्चा के लिए सूचीबद्ध। 3 नए आपराधिक विधेयकों को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में होगा विचार। उच्च सदन में विचार और पारित करने के लिए 2 विधेयक सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में करेंगे 20,000 करोड़ रुपए लागत की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। रविवार को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध भावनात्मक होने के साथ साथ रचनात्मक भी। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को निरंतर सुदृढ़ बना रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का किया उद्घाटन। कहा, अमृतकाल में युवाओं का दायित्व है कि वे सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी किया शुभारंभ। डीआरडीओ ने फिर किया कमाल। आकाश हथियार प्रणाली का किया सफल परीक्षण। 4 टारगेट्स को किया हवा में नष्ट। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का सफल समापन। हरियाणा 105 पदक के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा।